सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल सानू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिसने रेडमी 9 मॉडल का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उस फोन के अंदर आ चुका फाइनल एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट। ये जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, उस सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट करना है एंड उस न्यू सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से आपका फोन के अंदर फायदा क्या होगा, सब कुछ मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो पर लाइव प्रूफ के साथ करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए। वीडियो को थोड़ा सा भी कहाँ पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एक सेकंड भी स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो मैं चले वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आया है और उस न्यू सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पर फोन का अनलॉक करता हूँ एंड सेटिंग्स पर जाके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या आपको न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, सिंपली मैं फोन का सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ एंड सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर अबाउट फोन बिल के ऑप्शन देखने मिल रहा है। सिंपली यहाँ पर देखो MIUI वर्जन MI ग्लोबल 12.0.7। ठीक है, जो न्यू वर्जन आया है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर जो न्यू वर्जन आया है वो यहाँ पर देखो MIUI, ठीक है, V12.0.8.0 एंड QCTINXM। और ये जो वर्जन है आपका V12.0.8.0, ये है आपका न्यू वर्जन। ठीक है, पहले जो कि था आपका 12.0.7.0 था। ठीक है, तो अभी 0.8 आ गया, मतलब ये न्यू अपडेट आ चुका है आपका फ़ोन के अंदर। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपडेट एंड देखो अपडेट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच 2 मार्च 2021। ठीक है, तो उसी महीने के अंदर ये न्यू अपडेट आया है। साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आप लोगों ने देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कैसे इस न्यू सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है पूरे का पूरा सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में लाइव के साथ करके दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए। वीडियो को कहाँ पर भी स्किप नहीं करना, वीडियो को एक सेकंड भी स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो मैं चले वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली आ चुका मैं मेरा फोन के अंदर एंड फोन के अंदर आने के बाद सिंपली यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपका रेडमी 9 मॉडल का जो फोन है उस फोन का जो सेटिंग्स को सिंपली ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो इंटरनेट कनेक्शन सबसे पहले कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपके पास डाटा है या फिर आपका वाईफाई है तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, आपके पास वाईफाई है तो और भी बहुत इजी हो जाएगा सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, क्योंकि ये जो वाईफाई है, ठीक है, ज़्यादा आपका कोई भी हाई स्पीड इंटरनेट वाला जो वाईफाई है वहाँ पर आपका कनेक्ट करते हैं तो आपका जो मतलब अपडेट होता है वो बहुत क्विकली एंड फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वाईफाई नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फ़ोन में जियो या फिर आपका कोई भी दूसरा नेटवर्क है तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप मैंने यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट कर चुका हूँ। तो वाईफाई कनेक्ट करने के बाद सिंपली आपको जाना होगा फोन का सेटिंग्स के अंदर। तो इसमें सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए एंड सेटिंग्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो अबाउट फोन यहाँ पर अपडेट, सिंपली उसके पर आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखो सिंपली यहाँ पर अपडेट, ठीक है, यहाँ पर आपका ये है आपका पुराना वर्जन जो कि 12.0.7 स्टेबल अपडेट। तो न्यू वर्जन आपको इसके अंदर देखने मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखो न्यू वर्जन V12.0.8.0। ठीक है, तो आप सिंपली आपको यहाँ पर देखो कैसे इस सॉफ्टवेयर का अपडेट करना है उसका तरीका मैं आप लोग बता देता हूँ एंड इस सॉफ्टवेयर का अपडेट करने के बाद आपका फायदा क्या होगा वो मैं आप लोग अपडेट होने के बाद बता दूंगा। तो सिंपली देखो यहाँ पर डाउनलोड अपडेट, ठीक है, सिंपली इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। अब आपका जो डाउनलोड है वो आपको यहाँ पर देखो डाउनलोड लेटर एंड डाउनलोड, यहाँ पर देखो कनेक्ट टू वाईफाई। तो मैंने यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करके रखा हूँ तो इसलिए यहाँ पर सिंपली आपको कनेक्ट होगा डाउनलोड पर क्लिक करना पड़ेगा। सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपका जो यहाँ पर न्यू अपडेट आया है तो आप यहाँ पर आपका जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आया है ये अपडेट फाइल आपका यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आप लोग कैसे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है उसका तरीका भी मैं आप लोग को लाइव यहाँ पर करके दिखा दूंगा। और आपका फाइल का जो साइज़ है वो आपको यहाँ पर देख सकते हो 469 MB। ठीक है, लगभग आपको 500 MB तक आपको यहाँ पर आपका डाउनलोड होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका टाइम लगेगा और ये जो आपका डाउनलोड स्पीड वो आपका इंटरनेट का स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी आपका डाउनलोड होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखो डाउनलोड मेरा 2% हो चुका है। जब आपको 100% डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद कैसे इंस्टॉल करना है उसका प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक आपको मैनुअल इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा उसका तरीका भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो आप मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दूंगा क्योंकि ये डाउनलोड होने तक लगभग 90% या फिर 95% जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर वीडियोस को पॉज कर देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर देखो मेरा 83% डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। जब 100% डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया हो, ठीक है, तो वो आपका इंस्टॉल होने का प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। एंड कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पर वीडियोस बने रहिए। तो अभी यहाँ पर देखो 84% डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। तो 95% अभी यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप सिंपली आगे आपको क्या करना है वो मैं आप लोग को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो 100% डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्टिंग हो रहा है वो भी 100% ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रिबूट नाउ। ठीक है, अब आपका फ़ोन को सिंपली
उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको रिबूट करना पड़ेगा आपका फ़ोन को। इसलिए रिबूट नाम पर एक बार क्लिक कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद जब फोन ऑटोमेटिकली रिबूट होगा, रिबूट होने के बाद मैनुअली ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर आप यहाँ पर डाउनलोड किया हो वो सॉफ्टवेयर आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका टाइम लग सकता है। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, जो कि आपका फ़ोन को जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो फ़ोन का चार्ज है वो आपका 100% कंप्लीट करके अपडेट कीजिए, ताकि आपका फ़ोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप यहाँ पर देखो थोड़े से यहाँ पर आपको कुछ मिनट तक वेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आपका जो फाइल डाउनलोड किया था वो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। देखिए अभी यहाँ 64% हुआ है, 100% कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली फ़ोन फिर से रिबूट होगा रहेगा, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिकली मेरा फ़ोन फिर से रिबूट हो रहा है, ओके। तो सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन को बूट होने के लिए, मतलब ओपन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं, फ़ोन आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो फाइनली अभी मेरा यहाँ पर देखो फ़ोन का जो लोगो है MIUI का वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी फाइनली मेरा जो फ़ोन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ मिनट तक वेट कर लीजिए, मतलब उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिनट वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोन है वो फाइनली ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद मैं आप लोग को बता दूंगा कि ये जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, इस न्यू सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद आपका यहाँ पर क्या न्यू फीचर दिखने मिलेगा यहाँ पर आपका। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है फ़ोन को ओपन होने के लिए, क्योंकि आपका अभी अभी न्यू आपका जो न्यू अपडेट किया है वो आपका अपग्रेड हो रहा है उस पुराना वाला सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर फाइनली मेरा जो फ़ोन है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप सिंपली मैं आप लोग को बताया तो यहाँ पर आपका क्या फ़ायदा हुआ इस न्यू सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद। सिंपली सेटिंग्स पर जाइए एंड यहाँ पर सिंपली देखो फोन अबाउट फोन, उसके बाद सिंपली मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर न्यू वर्जन हो चुका है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर देखो आपका जो अभी अभी अपडेट किया हो आपका सॉफ्टवेयर को वो यहाँ पर देखो न्यू वर्जन पर हो चुका है, मतलब MIUI 12.0.8.0, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर डाटा कनेक्शन को ओपन कर लेता हूँ एंड मैं आपको बताया तो यहाँ पर देखो चेक फॉर अपडेट, देखो यहाँ नो अपडेट अवेलेबल। उसके बाद आपके मतलब व्हाट्स न्यू, क्या न्यू दिखने मिलेगा ये अपडेट करने के बाद, सिंपली उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर सिंपली देखो अपडेट एंड्रॉइड सिक्योरिट पैच टू मार्च 2021, मतलब इस महीने के अंदर ये न्यू अपडेट आया था। एंड यहाँ पर इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, मतलब आपका फ़ोन का जो सिस्टम सिक्योरिटी है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस सिस्टम को सिक्योरिटी करने के लिए ये न्यू अपडेट आया था, ठीक है। हैकिंग क्रैकिंग करने के लिए कोशिश करता है या फिर आपका कोई वायरस वगैरह आता है आपका फ़ोन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो न्यू अपडेट किया हो, ठीक है, ये फाइल आपका ऑटोमेटिकली उस मतलब आपका जो भी वायरस वगैरह है उसको ऑटोमेटिकली फेच करके डिलीट कर देगा, ठीक है। तो कभी अच्छा अपडेट है आप फटाफट इस अपडेट को कर लीजिए, मतलब ये जो न्यू अपडेट आया है इस सॉफ्टवेयर को ऐसे अपडेट करना है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। कोई भी सवाल है सुझाव जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो नीचे रेड कलर का बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन को प्रेस करके प्रेस ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स चले आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।